मैं चिंकी वाली मिंकी है। अब आपके लिए एक छोटा सा चैलेंज है, एक सेकेंड। अब आप कमेंट सेक्शन में बताओ कौन चिंकी और कौन मिंकी है। तो कई बार हमें कन्फ्यूजन होता है आर्टिकल नंबर 2 और 3 को समझने में कि कौन सा आर्टिकल नंबर 2 है और कौन सा आर्टिकल नंबर 3 है। तो बहुत ही क्लियर कट डिफरेंस है दोनों में। आर्टिकल 2 टॉक्स अबाउट एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स एंड आर्टिकल नंबर 3 टॉक्स अबाउट फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स। मतलब आर्टिकल 2 में हमें अगर कोई बाहरी टेरिटरी को इंडियन टेरिटरी का पार्ट बनाना है तो वी विल यूज आर्टिकल 2, या फिर कोई एक ऐसी टेरिटरी जो अभी एग्जिस्ट नहीं कर रही है उसको स्टेट बनाना है देन आर पार्लियामेंट विल यूज आर्टिकल नंबर 2 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन अगर हमें एग्जिस्टिंग स्टेट का एरिया ऑल्टर करना है, उसके एरिया को इंक्रीज करना है, डिमिनिश करना है, या फिर उसका नेम चेंज करना है, या फिर एक स्टेट को तोड़ के दो स्टेट बनाने, या फिर दो स्टेट को जोड़ के एक स्टेट बनाना, ये सारा काम जो एग्जिस्टिंग स्टेट के साथ करना होता है वो आर्टिकल 3 का यूज करके करना होता है। बट ऑलवेज रिमेंबर, आर्टिकल 4 ये बोलता है कि आर्टिकल 2 और 3 के तहत जो भी आप करेंगे दैट विल नॉट बी डेल्ट एज एन अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। थैंक यू।